सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। लोकसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया ने पठानकोट में किया चुनाव प्रचार। महिला मोर्चा संगठन व किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावों का प्रचार करने के लिए किया लामबंद। लोकसभा गुरदासपुर के उपचुनावों को लेकर आज पठानकोट में भाजपा के उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया की ओर से भाजपा के सभी विंग को इकट्ठे कर चुनाव प्रचार के लिए लामबंद किया गया। आज सुबह सबसे पहले पठानकोट निगम के सभी काउंसिलरों के साथ मीटिंग की गई, जिसके बाद महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा व एससी मोर्चा के सभी संगठनों के साथ अलग अलग समय में मीटिंग की गई, ताकि वो सभी इकट्ठे होकर चुनावों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करें। इस मौके पर पंजाब प्रभारी प्रभात झा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में डटने के लिए कहा। इस मौके पर न्यूज 89 से बात करते हुए स्वर्ण सलारिया ने कहा कि हम किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा इन सब से मीटिंग कर रहे हैं, ताकि इन सबको चुनावों के प्रचार के लिए तैयार कर सके। देखो आज भी बेसिकली मीटिंग है वो साढ़े अपने बीजेपी के अलग अलग ग्रुपां की हैगी है। आज सवेर की मीटिंग सी सारे एम सी पठानकोट के, वो जीते होन हारे होन ताकि उन्होंने बाल लेवल पर की करना है और की नहीं करना, वो सारे डिस्कशन होया और एक हो के काम से लग जाओ। वो सारे सीनियर लीडरशिप ने उन्होंने एक्सप्लेन किया है और वो बड़ी खुशी के नाल अपना काम करने तैयार ने। दिन नू महिला मोर्चा का प्रोग्राम है, युवा मोर्चा का प्रोग्राम है, एससी मोर्चा का प्रोग्राम है, किसान मोर्चा का प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम धार ब्लाक तो लैके बटाला तक के जिन्हें भी कार्यकर्ता ने, ये बीजेपी का ऑफिस जिहड़ा साडा डायलॉजी रोड पर बनया, असी सारे उत्थे मिल रहे हैं। और एको ही मुद्दा हैगा कि सारे उठो लगो कम से, जिदा लोगों का उत्साह साढ़े प्रति वोट पाँ का, सिर्फ एक अवेयरनैस करवानी है असी लोगों कि माननीय मोदी जी थोड़े वास्ते की कर सकते हैं। और ये जी इलैक्शन है ये सेंटर की इलैक्शन है, माननीय मोदी जी की इलैक्शन है, स्टेट की इलैक्शन नहीं है। पठानकोट से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।